हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन डिफेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें इस नोटिफिकेशन की, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ssc.nic.in के ऊपर और इसमें वैकेंसीज निकली हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस में। इसके लिए लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, यहाँ पे लास्ट डेट है 16 जून 2022 और 17 मई से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है पेमेंट की आपकी थ्रू चलान 20 जून 2022 और फॉर्म करेक्शन जो है आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं 21 जून से लेके 25 जून 2022 के बीच में। और जो इसका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा वो होगा सितंबर 2022 में। बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उससे पहले बात करें पे मैट्रिक्स की, ये रहेगी पे लेवल 4 25,500 से 81,100 रुपये। वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, तो ओपन वैकेंसीज़ है टोटल 503, एक्स सर्विसमैन के लिए हैं 56 वैकेंसीज़, यानी कि टोटल 559 वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पर निकाली गई हैं। और ये 559 वैकेंसीज़ जो हैं ये हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, और इन 503 ये जो ओपन कैंडिडेट की वैकेंसीज़ हैं इनमें से 15 वैकेंसीज़ रिजर्व्ड हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसकी 40% या ज़्यादा है उनके लिए ये वैकेंसीज़ जो हैं यानी यहाँ पे निकाली गई हैं। और साथ ही साथ फीमेल के लिए जो है यहाँ पे ओपन वैकेंसीज़ हैं 276 वैकेंसीज़, जिसमें से 8 वैकेंसीज़ रिजर्व हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। एज लिमिट की बात करें 18 से 25 के बीच में, यानी कि आपकी उम्र 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में आनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का, उसके हिसाब से रिलैक्सेशन एज में दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैंडिडेट जो है 10+2 पास होना चाहिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। और प्रोफेशनल अटेनमेंट्स जो हैं आपकी इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा है, जिनके पास सी सर्टिफिकेट होगा उनको जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जामिनेशन के उसके 5% बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी इसके लिए 100 रुपया और वीमेन कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस इसमें डिडक्ट नहीं की जाएगी। बात करें इसमें अदर रिक्वायरमेंट्स की या फिर अदर कंडीशंस की, तो इसमें बताया गया है कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड जो कि 100 मार्क्स का होगा, देन आपका होगा फिजिकल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग होगा, फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर 25 मार्क्स का, और लास्ट में होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे मेल हैं फीमेल हैं सबको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा जो कि 1.5 घंटे का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 मार्क्स की, और इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस के 25, इंग्लिश लैंग्वेज के 25, कंप्यूटर फंडामेंटल्स MS Excel MS Word कम्युनिकेशन इंटरनेट WWW एंड वेब ब्राउज़र एट्सेट्रा के 10 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे ये तो हो गई बात आपके रिटन एग्ज़ामिनेशन, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपकी डिडक्ट की जाएगी। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप इसकी PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो आपका इसके नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसकी अगर यहाँ पे बात करें, तो जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन का, जिनका क्लियर हो जाएगा उनको बुलाया जाएगा फिज़िकल टेस्ट के लिए। और इसमें जो है कैंडिडेट जो जनरल और EWS कैटेगरी के हैं उनके 40% मार्क्स जो हैं होने ही चाहिए, और बाकियों के लिए 35% और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% मार्क्स जो हैं वो होने ही चाहिए, और तब उनको जो है कंसीडर किया जाएगा टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। अगर उनके बाद
जो अगर पहले तो ये क्राइटेरिया अगर आपका क्लियर है तभी आपको फाइनल कट ऑफ में जो है प्लेस दिया जाएगा। देन उसके बाद होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। मेल कैंडिडेट जो 30 साल तक के हैं, 7 मिनट में 1600 मीटर कवर करना है। लॉन्ग जंप है 12.5 फीट, हाई जंप 3.5 फीट। 30 से 40 वाले 8 मिनट में कवर करनी है। रेस जो है 11.5 फीट, लॉन्ग जंप 3.5 फीट, 3 से ही 1/4 फीट जो है आपका हाई जंप होगा। और जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है 9 मिनट में 1600 मीटर करनी होगी। 10.5 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप होगा। ये सभी मेल कैंडिडेट जिसमें एक्स सर्विसमैन भी आते हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी आते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए जिसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, विडो, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड वीमेन कैंडिडेट आते हैं, उनके लिए 30 साल तक के लिए 5 मिनट मिलेंगे। 800 मीटर रेस के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा 3 फीट का। 30 से 40 वालों के लिए 6 मिनट मिलेंगे रेस के लिए, 8 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप 2 से ही 1/2। 40 साल से ऊपर वालों के लिए 7 मिनट मिलेंगे 800 मीटर रेस के लिए, 7 फीट का लॉन्ग जंप, हाई जंप रहेगा 2 से ही 1/4 फीट का। तो ये तो होगी फिजिकल टेस्ट की बात। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें, हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर, और 160 रहेगी जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं हिली एरिया से, जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जो चेस्ट है 78 होनी चाहिए, 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम ऑफ 4 मीटर एक्सपेंशन के साथ, और ये 5 मीटर रिलैक्सेशन मिलेगी जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर ये जो 3 कंडीशंस बताई गई हैं इससे बिलोंग करते हैं। फीमेल कैंडिडेट हाइट रहेगी 157 और रिलैक्सेशन रहेगी हिली एरिया वालों के लिए 5 सेंटीमीटर की। और इसमें बात करें लास्ट में होगा मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सॉरी, जब आपका फिजिकल टेस्ट जो है कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पे, जो कि मैक्सिमम 25 नंबर का होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट ये क्लियर करना होगा। और नेक्स्ट होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसमें आपके मार्क्स जो हैं लास्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। और इसमें जो है एमएस वर्ड का बताया गया है, टाइम मिलेगा जिसके लिए आपका 10 मिनट्स का, एमएस पावर पॉइंट के लिए मिलेगा 10 मिनट, एमएस एक्सेल 10 मिनट का। तो इस तरह से ये तो होगी बात आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, जो 4 स्टेजेस में ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपकी चलने वाली है। तो बाकी यही थी मेन इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज़ के बारे में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह के अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।